पाठोरा पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी मामलों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। परिसर में हो रही दोपहिया वाहन चोरी की जांच करते हुए पाठोरा पुलिस दोपहिया चुराने वाले दो शातिर भाइयों को गिरफ्तार किया है। पाठोरा पुलिस स्टेशन के हद में 1 मई को गाड़ी चोरी जाने की शिकायत दर्ज हुई थी। इसी मामले की जांच करते हुए पाठोरा पुलिस ने रवि प्रकाश रांगडाले और ओम प्रकाश रांगडाले इन दो चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों रिश्ते में भाई हैं। ये दोनों भाई साथ ही शहर के विविध जगहों से दोपहिया वाहन चोरी करते थे। वाहन चोरी करने के बाद ये दोनों वाहन एक वीरान जगह पर छुपा देते थे और अपने आर्थिक फायदे के लिए वाहनों को नागपुर शहर या मध्य प्रदेश में बेच देते थे। इसी काम से दोनों भाइयों का परिवार चलता था। आरोपियों पर पाठोरा के साथ ही शहर के विविध पुलिस थाना में चोरी के मामले दर्ज है। आरोपी रवि प्रकाश रांगडाले आणि ओम प्रकाश हे दोघं भाऊ आहेत। एक कामठीला राहणार आहे, खरबीमध्ये राहणार आहेत। हे आम्हाला त्यांनी 3 तारखेला आमच्या ताब्यात दिल्यानंतर आम्ही त्यांना अटक केलं। त्यानंतर त्यांचा 6 दिवस आम्हाला PCR मिळाला आणि या 6 वाहनांव्यतिरिक्त आज आम्ही त्यांच्याकडनं एकूण 9 वाहनं इतर 9 वाहनं जप्त केलेली आहेत। त्यात 4 वाटोडा पोलीस ठाण्याचे 4 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। 2 अजनी पोलीस ठाण्याचे, 1 पारडी पोलीस ठाण्याचे आणि 2 वाहनांची माहिती मिळणं बाकी आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।